नमस्कार, मैं वैष्णवी, स्वागत करती हूँ आपका प्लस न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा 2.0 कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से तनाव रहित परीक्षा से जुड़े कई पहलुओं पर बातचीत करेंगे। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में इस बार टीचर, पेरेंट्स और विदेशी स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में करीब 2000 विद्यार्थी, पेरेंट्स और टीचर शामिल होंगे, जिन्हें पीएम मोदी संबोधित करेंगे और इस कार्यक्रम का प्रसारण स्कूलों में भी किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का मंगलवार सुबह निधन हो गया। वह 88 साल के थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वह रक्षा मंत्री थे। बताया जा रहा है कि स्वाइन फ्लू के कारण उनकी जान गई है। वे लंबे वक्त से बीमार थे, वह अल्जाइमर से पीड़ित थे। पहली गैर कांग्रेसी सरकार यानी जनता पार्टी के सरकार में वे उद्योग मंत्री थे और उन्होंने कोका कोला पर बैन लगा दिया था। टाटा ग्रुप भारत का नंबर वन ब्रांड है। 1.39 लाख करोड़ की ब्रांड वैल्यू के साथ यह दुनिया के टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय ब्रांड भी है। लंदन की कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस ने इसे 2019 के टॉप 500 ब्रांड में 86वें स्थान पर रखा है। टाटा ग्रुप पिछले साल इस रैंकिंग में 104वें स्थान पर था। अमेजॉन 13.36 लाख करोड़ की ब्रांड वैल्यू के साथ पहले स्थान पर है। सृजन घोटाले की जांच में लगी सीबीआई की टीम ने राजधानी में घेराबंदी करके बांका की पूर्व जिला भू अर्जन पदाधिकारी जयश्री ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें सीबीआई के विशेष जज प्रवीण कुमार सिंह की कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में रहते हुए 8 फरवरी तक बेउर जेल भेज दिया। वर्ष 2003 से 2014 के बीच हुए करीब 1000 करोड़ के सृजन घोटाले की तफ्तीश में लगी सीबीआई 7 मामलों में चार्जशीट दायर कर चुकी है। 17 महीनों की जांच में 23 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। अभी 15 आरोपी जेल में हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक दिवसीय दौरे पर बुधवार को बिहार आएंगे। वे बेघा, झाझरपुर और रैक्सौल में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री 30 जनवरी को नागपुर से गोरखपुर तक विशेष विमान से आएंगे और फिर हेलीकॉप्टर से बाघा पहुंचेंगे। वहां वे नेशनल हाईवे के परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गांधी मैदान में 3 फरवरी को प्रस्तावित राहुल गांधी की रैली का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 28 साल के बाद गांधी मैदान एक बार फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली का गवाह बनेगा। सन 1989 के बाद हो रही इस रैली में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शिरकत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने महागठबंधन के सभी बड़े नेताओं को रैली में आने का आमंत्रण दिया है। केंद्रीय मंत्री और राजद नेता रामविलास पासवान ने राम मंदिर पर अध्यादेश को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं खुश हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि सरकार राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा करेगी। केंद्रीय मंत्री से न्यायाधीश की अनुपलब्धता के वजह से राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मालिकाना विवाद मामले में हो रही देरी पर सवाल पूछा गया था। झारखंड में खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम जिले के बॉर्डर इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। इसमें 5 नक्सलियों के मार गिराया गया है। इसमें 209 कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के जवान शामिल हैं। मारे गए नक्सलियों के पास से एक AK-47, एक राइफल और एक पिस्तल बरामद किए गए हैं। न्यूजीलैंड वुमेन्स टीम के खिलाफ दूसरे वनडे में भारतीय महिला टीम ने 8 विकेट से जीत दर्ज की है। विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड पर 3-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। अब उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलते हुए मिताली राज की टीम ने भी ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है। अनिल कपूर बॉलीवुड के सबसे झकास कपूर यानी सबसे फिट कलाकारों में से एक माने जाते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है जब उनकी फिटनेस की कोई तारीफ कर दे।
ऐसे में उनकी सेहत से जुड़ी एक बुरी खबर का खुलासा खुद अनिल कपूर ने किया है। उन्होंने बताया कि मुझे ऐसी बीमारी हो गई है जिसकी वजह से उनका कंधा पत्थर जैसा होता जा रहा है। इस बीमारी के इलाज के लिए अप्रैल में जर्मनी जाने वाले हैं। इस बीमारी को कैलिफिकेशन ऑफ शोल्डर कहते हैं। अनिल कपूर ने बताया कि पिछले 2 साल से उनके दाहिने कंधे में कैल्शियम जमा हो रहा है और जिसकी वजह से उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।